तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो गाइस, क्या आप चाहते हो कि आप यूट्यूब को बैकग्राउंड में रन कर पाओ? बट क्या करें, इस फीचर को लेने के लिए हमें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब का जो प्राइम वाला जो मेंबरशिप होता है हमें वो लेना पड़ता है, जिसकी मदद से हम यूट्यूब को हम लोग बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। बट आपको अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक फ्री मेथड बताऊंगा, जिसकी मदद से जो आप है आप यूट्यूब को बैकग्राउंड में अपने रन कर पाओगे बिना कोई मनी इन्वेस्ट किए, बिना कोई अपने पैसे खर्च किए। सो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करता हूँ। मैं हूँ आनंद सिंह, यह है टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। तो ये वीडियो को ज़्यादा ही लंबी नहीं होने वाली है, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये जो ट्रिक है आप इसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप YouTube पे जाकर अगर आप प्ले करने की कोशिश करते हो कोई भी किसी भी वीडियो को, अगर आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो, जैसे मैं यही वीडियो ओपन कर लेता हूँ और मैं इसे बैकग्राउंड में चलाना चाहता हूँ, तो जैसे हम लोग YouTube बंद करते हैं तो सबसे पहले वीडियो तो बंद हो जाती है, बट मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप उसे बैकग्राउंड में चला भी पाओगे, और अगर आप स्क्रीन ऑफ भी कर देते हो तब भी आपकी वो जो वीडियो है वो प्ले होती रहेगी। तो अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके पास होना चाहिए ये क्रोम ब्राउजर, आपके पास होना चाहिए या फायरफॉक्स होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप आ जाएंगे क्रोम में अपने एक न्यू टैब में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूट्यूब का आपको मिल जाएगा, वैसे तो आप सर्च करके भी कर सकते हैं बट हो सकता है आपको यहाँ पे सामने जब देखने को मिल जाए क्रोम में, तो आप इसे सिंपली इस तरीके से कुछ ओपन कर लीजिए, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको देख सकते हैं इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको जो भी वीडियो चलानी है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए या सर्च कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इस वीडियो को जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया और मुझे ये वीडियो प्ले करनी है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, और आवाज़ कर देते हैं लो क्योंकि ये एक सॉन्ग है, और इसे हम लोग बंद कर लेते हैं। अगर आप इसे अभी चलाएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग बैकग्राउंड जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्ले नहीं होगी, इस तरीके से नहीं होगी, आपको नहीं पहले बता दूँ आपको, आपको अगर इसे बैकग्राउंड में चलाना है तो आपको यहाँ पे तीन डॉट आपको ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, आपको वहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे आ जाना है अपने डेस्कटॉप सेटअप पे, और यहाँ पे जब आपको डेस्कटॉप साइट जो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो गई होगी, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको जो भी वीडियो चलानी है आप उसे यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा जूम करके, इस तरीके से जूम करके आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए और वहाँ से उस वीडियो को ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपली तरीके से ओपन करेंगे वीडियो को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को हमें ओपन करना है, हमने यहाँ पे इस वीडियो को ओपन कर लिया, अब ये वीडियो जो यहाँ पे प्ले होने लग जाएगी। आप यहाँ से थोड़ा आराम से जूम आउट कर लीजिए, जल्दी करेंगे तो नहीं होगा, आप आराम से जूम आउट कर लीजिए, आपकी वीडियो प्ले हो रही है और मैं आपको दिखाता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियो है पूरी तरीके से प्ले होने लग जाएगी, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो ठीक है। अब मैं इसे अगर मैं नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में जो है अभी ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तब वो प्ले होती रहेगी, तो आप देख सकते हैं अब इस तरीके से प्ले हो रही है, मैं इसे यहाँ पे रोक देता हूँ एक बार, और अगर मैं चाहूँ मैंने स्क्रीन ऑफ की और मैंने यहाँ पे ऑन किया, तो आप देख सकते हैं मेरे लॉक स्क्रीन पे भी मुझे आपको यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है उस वीडियो का, जो कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से प्ले करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो वीडियो प्ले हो रही है बड़े आराम से बिना किसी इशू के। अगर आपको कोई भी पैसे नहीं खर्च करने, तो आप ये एक सिंपल सी ट्रिक है, और सबसे ज़्यादा सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल मुझे नहीं लगता है कोई भी ट्रिक होगी जिसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे हैं और आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप भी नहीं इंस्टॉल करना पड़ रहा है, और बस आपके अपने ब्राउज़र की मदद से आप इस तरीके से कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ को है वो आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, उसकी ऑडियो अगर आपको अगर सुनने वाला वीडियो होता है आपको सुनना चाहते हैं बट उस फीचर की वजह से नहीं सुन पाते हैं, तो आप इस तरीके से कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, और आप YouTube की जो वीडियोस है उन्हें आप बैकग्राउंड में या लॉक स्क्रीन पे या फोन ऑफ है तो भी आप यहाँ पे इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक थी एक, जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको बताई, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता थी तो आई एम सॉरी कि आपका शायद हो सकता है आप सोच रहे हो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मगर आपको नहीं पता थी तो अब आपको ये ट्रिक पता चल गई है और आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। वैसे तो ज़्यादातर ये मतलब काम नहीं आती है, पर जब काम आती है तो बहुत ही तगड़ा वाला काम लगता है इस ट्रिक का, और काफ़ी मतलब पता होना जरूरी है, जब भी आपको काम आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी काम की है ट्रिक। तो आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके दिखाओ अपना सपोर्ट, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।